पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री और विधायक घोटाले में फंसे हुए हैं और जेल में पार्थ चटर्जी से अनुव्रत मंडल और माणिक भट्टाचार्य तक ये लिस्ट बेहद लंबी है। लेकिन खास बात यह है कि घोटालों की जांच की आंच अब इन भ्रष्टाचारी नेताओं के परिवार तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद इनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसी कड़ी में करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाला मामले में जेल में बंद दिग्गज टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी भी सीबीआई के रडार पर हैं। सूत्रों ने बताया कि मंडल की बेटी सुकन्या मंडल पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। पेशे से प्राथमिक शिक्षिका सुकन्या मंडल कई व्यवसायियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सीबीआई ने सुकन्या के एक निजी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की पूरी जानकारी मांगी, जिसके तहत सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ के लिए एक नोटिस भेजा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के खद्दावर नेता अनुव्रत मंडल की बेटी भी दो निदेशकों में से एक है। उसी कंपनी में दूसरे निदेशक अनुव्रत मंडल के करीबी सहयोगी विद्युत बरन गायेन हैं, जो इस घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। सुकन्या मंडल और गायेन दोनों को कंपनी के खातों के विवरण के साथ 17 अक्टूबर को सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। जब से घोटाले की जाँच शुरू हुई, दो कंपनीज एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और डिलीवर प्राइवेट लिमिटेड की सीबीआई जांच के साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे पर आ गए हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों का ये मानना है कि ये दोनों कंपनीज वास्तव में फर्जी कंपनीज हैं, जो घोटाले की आय को अलग अलग चैनल्स में बदलने के लिए बनाई गई हैं। दोनों कंपनीज के खातों से अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में फर्जी ऋण का पता लगाया था और जो कंपनीज ने अलग अलग व्यक्तियों को दिया था। सूत्रों ने बताया कि वास्तविक अपराध आय को फर्जी ऋणों में बदलने का था। एएनएम एग्रोकेम फूड प्राइवेट लिमिटेड की कंपनीज को धारा 160 के तहत सीबीआई की ओर से नोटिस भेजा गया। कंपनी के संयुक्त निदेशक सुकन्या मंडल और विद्युत को गवाह के तौर पर तलब किया गया है। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि एग्रोकेम फूड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कई संपत्तियां खरीदी गयी। इस संगठन का नाम अनुव्रत मंडल के नाम से जारी चार्जशीट में भी है। आरोप है कि इस संस्था के नाम पर धमकी और दबाव में संपत्ति और जमीन नाम मात्र की कीमतों पर खरीदी गई। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।